हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया नाइफ जो कि हमारा है क्राफ्ट नाइफ, कार्विंग नाइफ भी इसको बोलते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। अमेज़ॉन से मंगवाया है इसको, तो ये आया है इस तरीके से। सिंपल इस तरीके का पैकेट है ये, और इसमें इस तरीके से आया है पैक होके। और ये नाइफ थोड़ा सा स्पेशल है, अगर जो लोग स्टेंसिल वगैरह बनाते हों उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके के इससे आया ये, और इसमें ये कैप भी लगा हुआ है आगे सेफ्टी के लिए। तो ये हमें ये इसको ऐसे हटाना है, इसको कैप को। ये सॉफ्ट है कैप, और जो है ये इस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है। क्लियर दिख पा रहा होगा आपको, ये इस तरीके से इसमें क्लियर इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। और इसी की वजह से आप कोई भी शेप देना चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से इसमें मूवमेंट होती है और आपका कट बहुत आराम से हो जाता है। तो जब भी हम इस तरीके का पेपर यूज़ करते हैं, तो पेपर को जो है हमें जब हम यूज़ करते हैं ये वाला, तो इसके लिए जो है हमें एक फेवी स्टिक वगैरह कुछ हम चिपका लें अगर बोर्ड पे, तो ज़्यादा अच्छी कटिंग हो पाती है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो जिस तरीके से देखिए, ये है इसकी, ये नाइफ़ है इसकी, और इस नाइफ की इससे जस्ट हमें ऐसे ही पकड़ना है। और सिंपल हमें इस वजह से हमने मूवमेंट दिया तो ये ऐसे इस तरीके से जो कट होगा वो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सेम हमें प्रोसेस है, प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी उसका बहुत आसानी से कट हो जाएगा। जब हम ऐसे कट करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा ये कट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम कोई ग्लू अगर हम बोर्ड पे चिपका लेते हैं तो बहुत इजीली ही ये कट हो जाएगा मेरा। हमें जैसे वेवी लाइन करनी है तो हमें अपना हाथ को नहीं इस तरीके से मूवमेंट देना है, हमें जस्ट हमारा ये नाइफ हम ऐसे चलाएंगे और ये आराम से कट हो जाएगा। हाँ, आप जितना प्रेशर लगाएंगे इसमें उस हिसाब से आपका इजीली कट हो जाएगा। जब ये चिपक जाएगा इसमें इसमें स्टिक हो जाएगा तो ये आपका आराम से ही उठ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पैटर्न लेकर के हम इसको इस तरीके से हमारा ये आसानी से कट हो जाएगा। तो वैसे नाइफ बहुत ही अच्छा है अगर हम इस पर कट करते हैं, और इस तरीके के हम कटिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं तो मेरी जो नीचे के जो सरफेस है वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये कटिंग सरफेस जो मिलता है ये बोर्ड कटिंग बोर्ड, तो वो अपने आप ही जो है वो इसके कट अपने आप ही फिल हो जाते हैं, इसमें कटिंग रहती नहीं है। जैसे और अगर हम नीच पे करेंगे किसी और सरफेस पे तो हमारे निशान पड़ जाते हैं, पर अगर हम कटिंग बोर्ड का यूज़ करेंगे तो हमारे इसमें निशान नहीं रहते, वो अपने आप पूरे फिल हो जाते हैं, रिपेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये रिपेयर हो जाते हैं। इस तरीके से हम हमारा ये जो मूवमेंट होता है ये इसकी वजह से ये फ्रीली आप कुछ भी कट कर सकते हैं। और ये हैंडल के लिए भी आराम से बना है, आप इस तरीके से आप ऐसे, या आपको फ्लावर बनाना है कुछ भी तो आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। बस आपको चलाना है, बस ये प्रेशर देना है और ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ये पोर्शन आराम से बहुत स्मूथली ये निकल जाएगा, ये इस तरीके से हमारा। तो कुछ भी अगर आपको स्टेंसिल में महीन वर्क है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें राउंड देना है और ये, तो भी ये हमारा निकल जाएगा इसमें। कटिंग का जो प्रोसीजर है वो हमारा वैसे ही है, ये आराम से स्मूथली चलेगा ये इस तरीके से, ये और आपकी कटिंग आराम से हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर हमें इसमें देना पड़ेगा और ये अच्छे से इसका मूवमेंट होगा।
आप इसी तरीके से कुछ भी आप नीचे जो है सरफेस लगा ग्लूका लगा लेंगे और ऊपर पेपर इस पर स्टिक हो जाएगा आराम से, और आप कोई भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बस आप जब भी लीजिएगा तो आप अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा, और इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर रेंज अच्छी है, प्राइस सही है, तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और आप अगर सस्ता लेंगे तो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी भी कम होगी, ठीक है। तो आप जिसको जो लोग स्टेंसिल बनाने में इंटरेस्टेड रहते होंगे, अच्छा लगता होगा उनको, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है पेन, हेल्पिंग है, और इजी तरीके से आपकी स्टेंसिल भी तैयार हो जाएगी, कार्विंग अच्छे से होगी और कटिंग अच्छे से होगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।